जी गुरु जी को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज एक अद्भुत मंत्र दे रहा हूं मैं माँ तारा के अष्ट रूप का ये मंत्र है इस मंत्र को कलपत्रु मंत्र भी बोला जाता है मतलब इस मंत्र को करने वाले व्यक्ति का हर एक मनोकामना का पूर्ति होता है जो मूल तांत्रिक विधान है इस मंत्र को करने का वो तो पंचमुंडी आसन पर बैठ और महाशंका माला से किया जाता है लेकिन इसका एक सात्विक उपाय भी है पंचमुंडी आसन आज के डेट में मिलना मुश्किल है जिन तांत्रिकों के पास है वो तो छुपा के रखते हैं सप्तमुंडी आसन पे करें तो और जल्दी होता है उसमें रुद्र जागृत होते हैं लेकिन एक आम साधक अगर इसको करे तो उसका बहुत ही गृहस्थ तरीका मंत्र विधानों में बताया गया है देखो माँ तारा का जो मंत्र होता है हु? उसमें जो कुर्च बीज है मतलब होम ठीक है प्रणव बीज ओम श्री बीज श्रिम इन सब बीजों का बहुत महत्व है लेकिन कालांतर में हम जो अष्ट मूर्ति है माता तारा की उसके बारे में और उसके मंत्रों को जाप नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते नहीं तो माँ तारा का जो अष्ट रूप है वो कौन कौन सा है वो है तारा उग्रा महाउग्रा वज्रा नीला सरस्वती कामेश्वरी और भद्रकाली ये मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया था कि जो आदि मंत्र है उसमें बोला जाता है कि जो तारा है वही काली है और वही नील तारा है एक जगह अभी मैं और पढ़ रहा था कि जो भुवनेश्वरी है वही काली है और वही तारा है तो आज के मंत्र विधान पर आते हैं क्योंकि हम पंचमुंडी आसन या माला जो कि इंसान के मस्तक से बनती है वो नहीं बना करके और घर में साधना करने वाले हैं सात्विक साधना करने वाले हैं तो ये अष्ट तारा की सिद्धि जो कि कालपत्र रूप में है मतलब कि हर हमारे हर समस्या का समाधान करने वाली है उसको कैसे करेंगे सबसे पहले ये समझो कि ये मंत्र विधान एक रात का होता है उसके बाद आप इसका निरंतर जाप करते हो वो एक रात अमावस्या या पूर्णिमा दोनों में से कोई भी हो सकता है अगर अमावस्या को इसकी साधना करते हो तो दक्षिण में आपको दक्षिण मुख होके इसकी साधना करनी है और अगर आप पूर्णिमा में इसकी साधना कर रहे हो तो आपको पूरा मुंह बैठना है ठीक है अगर आप अमावस्या को साधना कर रहे हो तो आप काले वस्त्र पहनोगे अगर आप पूर्णिमा को साधना कर रहे हो तो आप नीले या सफ़ेद वस्त्र को धारण कर सकते हो अगर आप अमावस्या में साधना कर रहे हो तो आपके पास ऊनी आसन होना चाहिए अगर आप साधना कर रहे हो पूर्णिमा में तो फिर आपके पास कूस का आसन होगा ठीक है लेकिन सामग्री दोनों में एक ही लगेगी क्या सामग्री लगेगी आपको पांच जो सूखे नारियल होते जिसको कोपर कहते हैं वो लेना है ठीक है उसमें घी भरना है और एक बाती लगा देनी है ऐसी पाँच आपको कोपर रखनी है ठीक है उसके बाद एक पत्थर को एक पत्थर रखेंगे जो नदी में मिलती है ऐसे रोड का पत्थर नहीं और उसको नीला रंग देंगे और उस पर आँख और मुंह बना लेंगे और उसको एक आसन पर जिसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे उस पर स्थापित करेंगे ठीक है उस आसन के सामने इन पांच कोपरों को रख देंगे हाँ और जो आसन पे आपने पत्थर रखा उसको माँ तारा भगवती के रूप में आप पंच पूजा करेंगे मतलब उसके सामने दीपक जलाएंगे घी का अगरबत्ती जलाएंगे चमेली का अगर हो जाए धूप जलाएंगे इत्र देंगे माँ को प्रसाद देंगे ठीक है और उसके बाद जो मैं मंत्र अब बताने वाला हूँ उसका आप तब तक जाप करेंगे जब तक ये पाँचों कोपर जलते रहे ये घंटा डेढ़ घंटे का साधना होगा आपका पहले दिन का तो मंत्र ध्यान से सुनिए मंत्र है मंत्र शुरू होता है प्रणव बीज से ठीक है उसके बाद हाकार और बिंदु और फिर कुर्चराज ठीक है उसके बाद अष्ट देवी का नाम आता है और अंत में तारने बोला जाता है तो मंत्र क्या है मंत्र है ओम हाम हुम तारा चोग्रा महोग्रा वज्र नीला सरस्वती कामेश्वरी च भद्र काली ओम ओम स्वाहा ठीक है इस मंत्र का आप तब तक जाप करेंगे जब तक वो पांचों को ऊपर जल के राखना हो जाए जो दीपक रूप में आप किसी बर्तन में या फिर किसी कटोरे में पाँचों को अलग अलग रखेंगे और जब तक वो जलता नहीं है तब तक उसका जाप करेंगे ठीक है इसके बाद वो जो जल गया जो राख हो गया उसको आप दूसरे दिन सुबह में छान लेंगे ठीक है और उसके बाद उसको तिलक के रूप में प्रयोग करेंगे इसके अलावा उसका एक और ये काम होगा कि इस मंत्र का रोज आप 108 बार जाप करेंगे और जब भी जाप करेंगे तो जो आपने वो तिलक वो जो भस्म आपने बनाया है उस भस्म को आपके रुद्राक्ष माला में लपेट देना है ठीक है बिना लपेटे इस मंत्र का आप जाप नहीं करेंगे पहला दिन जाप बिना माला का होगा उसके बाद हमेशा जाप माला का होगा एक चीज जो मैं बोलना भूल गया वो ये है कि शुरुआत में आप लोगों को जिस भी कार्य के लिए आप संकल्प ले रहे हैं अमावस्या को या फिर पूर्णिमा को तो संकल्प में एक पान एक सुपारी एक सिक्का और थोड़ा हाथ में जल लेकर के भगवती को अपने भाषा में आप बताओगे कि मैं मेरा परिचय ये है और मैं इस कार्य से आपकी ये साधना मंत्र विधान करने जा रहा हूँ और मैं इसका पूर्णा होती अगले अगर आप पूर्णिमा से कर रहे हैं तो अमावस्या में करूँगा और अमावस्या से आपने पूजा शुरू की है तो पूर्णिमा में करूँगा ऐसा आप बोलोगे ताकि उस समय के अंदर आपका काम जो है वो पूर्ण हो जाए लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये मंत्र कार्य पूर्ण हो पूर्ण हुआ और तुरंत बंद आपको नहीं करना है ये मंत्र आपको कंटिन्यू करना है ये मंत्र आपके चित्त से किसी न किसी दिन खुद खुद उतरेगा तब तक इस मंत्र को मत छोड़िएगा दूसरा बात इस साधना को करते टाइम बहुत तरीके का सपना आएगा अगर आप मर्द हैं तो आपके घर की महिलाओं को सपना आएगा या फिर उनको हो सकता है कुछ दृष्टि भी आए ऐसे में घबराना नहीं है सब माँ भगवती पर छोड़ देना है माँ अपने आने और अपने रहने का आभास देती है जब भी ऐसा हो तो भगवती को बोलो कि माँ आप हमारे साथ रह के हमारी रक्षा करो इसमें डरने का भाव डर का भाव नहीं आना चाहिए ठीक है आज के लिए इतना ही तांत्रिक विधान इसका थोड़ा सा अलग है अटपटा है आम गृहस्थ को नहीं जानना चाहिए क्योंकि उसको जानने के लिए फिर आपको जो महाशंख माला है उसको बनाने का प्रक्रिया जानना होगा पंचमुंडी आसन का प्रक्रिया जानना होगा और तंत्र में अब बहुत आयत चीज़ ऐसी हो गई हैं जो कि लीगल नहीं आती हैं जो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से सोशल नॉर्म्स में नहीं आती है। तो उसको ना जानना जाए और जो तांत्रिक सिद्ध हैं वो तो जानते हैं वो करते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही बेसिक साधना ग्रुप अब दो चार दिन में शुरू होगी तो जिनको जुड़ना है अभी जुड़ जाए क्योंकि नहीं तो महीना भर वो प्रोसेस चलता रहता है जुड़ने के लिए मतलब बेसिक साधना ग्रुप जिसमें कि हम आसन बंधन दिशा बंधन भैरव ये सब सिखाते हैं उसको सीखने के लिए मेरा नंबर है पेड व्हाट्सएप ग्रुप का नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए मेरा वेबसाइट है डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट अखबर तंत्र से डॉट एक्स वाई जेट उस पर आप जा सकते हैं डायरेक्ट कॉल करने के लिए एक ऐप है कॉल मी फॉर ऐप उसको डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करिएगा मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं माँ भगवती देवी तारणी अपने अश रूप में आपको सिद्धि दे आपकी रक्षा करे और आपकी मनोकामना पूर्ति करे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश